नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में कई तरीके की बीमारियां होती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्किन से जुड़ी कुछ परेशानियों को लेकर, कैसे आप उनसे परेशान होने के बजाय उनको दूर कर सकते हैं और क्या आपको करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बताएं कि दाँत, खाद, खुजली और रैशेस की समस्या बहुत ज़्यादा इस मौसम में लोगों को हो जाती है अपनी स्किन पर, क्योंकि शरीर का तापमान बदलता है, हवा में नमी पड़ती है, ज़्यादा पसीना आता है, साफ़ सफाई अगर कोई नहीं रखता है और किसी भी तरह की एलर्जी और केमिकल में संपर्क में अगर कोई आता है तो जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं आपकी बॉडी में। अब इससे बचने के कुछ कारगर उपाय हो सकते हैं, वो क्या हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले तो साबुन और केमिकल के इस्तेमाल का हम जिक्र करेंगे, क्योंकि त्वचा संबंधी समस्याएं अक्सर खुजली और जलन से शुरू होती हैं और जब इसकी शुरुआत हो तो सबसे पहले साबुन और परफ्यूम के साथ डिओडेंट और बॉडी वॉश जैसे केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। यानी कि इस तरीके के प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं जिनमें केमिकल मिला होता है, क्योंकि केमिकल एनर्जी को ट्रिगर कर सकते हैं, यानी कि और ज़्यादा इस एलर्जी को केमिकल बढ़ा सकते हैं, इसलिए आपको इन सब चीज़ों से दूरी बनानी होती है। इसके साथ ही आपको ज्वेलरी भी नहीं पहननी है। कई बार गले की चेन, हार या फिर हाथों की चूड़ियाँ जो कि धातुओं से बनी होती हैं पसीने के संपर्क में आने पर स्किन की समस्या पैदा करती हैं, और ऐसे में इस तरह की प्रॉब्लम जब भी शुरू हो तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को समय के लिए आपको उतार देनी चाहिए कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। साथ ही आपको सही कपड़ों का भी चयन करना है। स्किन से जुड़ी समस्याएँ होने पर कॉटन के ही कपड़े आपको पहनने हैं, जैसे कि पसीना सूख जाए, हवा त्वचा तक पहुँच जाए। सिंथेटिक कपड़े या फिर जरी लेस वाले कपड़े आप जब पहनते हैं तो त्वचा में ये रगड़ खाते हैं और पसीना जब आपकी जो मुश्किल है वो बढ़ा सकता है, इसलिए हमेशा ढीले और सही कपड़ों का चयन आपको करना है, सूती कपड़ों का इस्तेमाल आपको करना है। इसके साथ ही स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम का इलाज करते समय अपने कपड़े और जो सामान है वो हमेशा आपको अलग रखना है, बाकी घर के सदस्यों से आपको उसको मिलाकर नहीं रखना है। टॉवल है, नैपकिन है या फिर आपके जो भी कपड़े हैं। इसके साथ ही जहाँ पर भी आपको एलर्जी होती है वहाँ पर आपको खुजली नहीं करनी है, इचिंग होती है, लेकिन आपको उसको उसे दूर रहना है, उसमें नाखून बिल्कुल भी टच आपको नहीं करने हैं। इसके साथ ही घरेलू बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि नारियल का तेल है, कपूर है, नीम का तेल है, ये आपको राहत दे सकता है। अगर आपको परेशानी पड़ती है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।